तीन खेती कानूनों के विरोध में दिल्ली दियां सरहदां उत्ते किसानां दा अंदोलन लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चे की कुंडली बॉर्डर से अहम बैठक हुई है, जिस तो बाद किसान लीडरां ने संसद मार्च का ऐलान कर दिता है। 200 तो 250 किसानों का एक जत्था मानसून सैशन 22 जुलाई नूं लोक सभा के बाहर प्रदर्शन करेगा। ते प्रदर्शन उदों तक जारी रहेगा जदों तक मानसून सैशन खत्म नहीं हो जाता। उस तो पहला 17 जुलाई नूं सारे विरोधी दलों के सांसदों नूं एक चेतावनी चिट्ठी भी दी जाएगी, जिस विच मांग की जाएगी कि वह सैशन तो वॉकआउट न करन अते लोक सभा विच इन्हां तिन्ने खेती कानूनों के विरोध में हंगामा करन ते मानसून सैशन न चलन दे। उधर किसान लीडर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया कि 6 जुलाई नूं खोरी पिंड मामले नूं लैके पीएम आवास से बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। ते जो लोग इस किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे पंचायती चोणां विच उन्हां दा विरोध किया जाएगा। 17 जुलाई नूं जो राजनीतिक पार्टियां जो विरोधी पार्टी है सभी को घर में जाकर एक चेतावनी पत्र देंगे कि जां तो संसद में चुप तोड़ो ते जहाँ कुर्सी छोड़ो। ये उनके लिए हमारा प्रोग्राम है। बीजेपी के जो एमपी है जहाँ उसके रिलायंस के एमपी है सभी के दरों पर प्रदर्शन हो गए और जो बखरे हैं विरोधी पार्टी है उसको चेतावनी पत्र दिया जाएंगे। हमने फैसला किया है कि एक बड़ा जत्था सिंघू बॉर्डर से बच्चा में जाकर संयुक्त मोर्चे के बैनर लगाकर वो बड़ा जत्था पार्लीमेंट वल जाएंगे। विरोधी नेतों को कहेंगे कि अंदर रौला पाए जब तक कानून नहीं रद्द होंगे तो सेशन ना चले। तो अभी लोग बाहर बैठकर रौला पाएंगे कि तिन्ने कानूनों को रद्द करो।